नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हैदराबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दरअसल आयकर विभाग ने हैदराबाद में एक फार्मास्यूटिकल ग्रुप पर छापेमारी की है और इस दौरान तलाशी ली गई तो आयकर विभाग को बहुत सारा कैश दिखाई दिया। ये सारा कैश एक अलमारी में रखा हुआ था और इसे गिना गया तो ये टोटल 142 करोड़ रुपये निकला। सोचिए, 142 करोड़ रुपये कैश एक अलमारी में रखा हुआ था, तो आयकर विभाग ने छापेमारी कर इस कैश को बरामद कर लिया है। अब खबरें मिल रही हैं कि फार्मास्यूटिकल ग्रुप की लगभग 550 करोड़ रुपए की बेनामी आय का पता चला है और जिस पर छापा मारने के लिए इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची थी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये कैश सीज इस वित्तीय वर्ष की सबसे बड़ी कैश सीज है। खुद अधिकारी भी इतना कैश देखकर हैरान रह गए थे। अलमारी में 500 और 2000 के बहुत सारे नोट रखे थे। आपको ये भी बता दें कि 6 राज्यों के नामी ग्रुप्स की बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ने ये रेड 6 अक्टूबर को मारी थी। ये रेड लगभग देखिए 50 जगहों पर हुई थी और इनमें से फार्मास्यूटिकल ग्रुप से 142 करोड़ रुपये का कैश बरामद हुआ। तो हर तरफ इसी के चर्चे होने लगे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि अधिकारियों को अलमारी में खूब सारा कैश होने का इनपुट मिला था और जिसके बाद ये जांच हुई और नतीजा सबके सामने है। फिलहाल इस कैश को बरामद कर लिया गया है और इस ग्रुप में छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने कुछ पेन ड्राइव्स और लैपटॉप्स भी जब्त किए हैं। और देखिए, इतनी भारी मात्रा में कैश रखने का मकसद पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस ग्रुप की अब समस्या बढ़ने वाली है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि ये फार्मास्यूटिकल ग्रुप कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए रूस की कंपनी से करार कर चुका है। अब देखना ही होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।